कम से कम दो डेटा रहे, उसके आधार पर हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, वो मेरा क्या कहलाएगा, द्विचरीय आवृत्ति वितरण। तो यहाँ पे मैं दो डेटा लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। टैली करने आ गया ना, डेटा सेट कैसे टैली करना है। और जैसे सिंगल मतलब एक चरिए में जो हम टैली कर रहे हैं, सेम टू सेम मेरा दो चरिए में भी वैसे ही करना है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, चैप्टर 9 हम पढ़ेंगे आज, समांकों का चित्रमय एवं रेखीय प्रदर्शन, चैप्टर 9। समांकों का चित्रमय एवं रेखीय प्रदर्शन। समांक क्या होता है, कोई बताए? आंकड़ा, डेटा, नंबर, संख्या, ये मेरे क्या है, समांक है। ठीक, का चित्रमय, ये चित्रमय मतलब डायग्राम बनाएंगे हम। जैसे सिंपल अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख दूँ 8, 10, 7, 22, 25, कुछ भी ऐसा मैं नंबर लिख दूँ, देखने में उतना अच्छा लगेगा नहीं, हो एक बोरिंग टाइप लगेगा, ये क्या अगर हम बत्तीस से लिख दें, कुछ समझ में आई भाई नहीं कर रहा है, होगा ना। लेकिन अगर इसी को हम डायग्राम बना के लिखेंगे ना, देखने में आकर्षक लगेगा, सुंदर लगेगा, दिखने लगेगा, अच्छा लगेगा। और डायग्राम वो क्या क्या हो सकता है, उसी डायग्राम के बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे कि डेटा को अगर चित्र में बनाना है तो इस डेटा को चित्र में कैसे बना पाओगे, क्या कमल का फूल बना के एडजस्ट करोगे? इसका अलग फॉर्मेट है, हम जो इसका जो चित्र बनाएंगे उस चित्र के बारे में आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। डायग्राम में हम देखेंगे कैसे कैसे क्या यहाँ पे उसका फॉर्मेट है, कैसे कैसे क्या तरीका है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि यहाँ डेटा को भी चित्र में मतलब बार डायग्राम, पाई ग्राफ, इस तरीके से भी उसे उसमें एडजस्ट करके हम देख सकते हैं, उद्देश्य अपना पूरा कर सकते हैं। तो इसका पीडीएफ मैंने भेजा था कि नहीं, चैप्टर 9 का पक्का? चलो आज इसको हम भेज देंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है, ध्यान सुनोगे फिर हम एक्सप्लेन करके समझाएंगे। लिखा यह है, चित्र सांख्यिकी समांकों का दृश्य रूप में प्रदर्शन है। कौन सा चित्र क्या करता है, समांकों को दृश्य के रूप में प्रदर्शित करता है। वो दृश्य क्या हो सकता है, डायग्राम जो हम बनाएंगे वही होगा और कुछ नहीं। आओ, और क्या लिखा है इसमें, जो उनके मूल तथ्य, ये मूल तथ्य क्या होते हैं, मूल तथ्य, मूल का मतलब ओरिजिनल, तथ्य का मतलब जानकारी, मतलब जो ओरिजिनल नॉलेज है वह, इसी को हिंदी में क्या कहेंगे, मूल तथ्य। यहाँ पे अगर मैं 8 लिख रहा हूँ और जो मैं चित्र बनाऊँगा, चित्र में मुझे साफ साफ स्पष्ट नज़र आना चाहिए कि वह 8 है, 18 नज़र नहीं आना चाहिए, तो फिर मेरा मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे जो मेरा मूल तथ्य है वह सामने होना चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए। और क्या लिखा हुआ है, दृश्य रूप में प्रदर्शन है जो उनके मूल तथ्य तथा संबंधों को प्रदर्शित करता है। देखो रिलेशन होता है, आप सबका अगर हम टेस्ट लेंगे तो जैसा आपका संगति रहेगा वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। अच्छे लोग की संगति करोगे तो अच्छा नंबर आपका आएगा, बुरे लोग का संगति करोगे तो बुरा नंबर आपका आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि अगर 8 है तो 8 का रिलेशन 10 से क्या है, 10 है तो इसका रिलेशन 7 से क्या है, 7 का 22 से, 22 का 25 से। तो यहाँ पे हम संबंध का अध्ययन करेंगे, रिलेशन का अध्ययन करेंगे। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है कि घट रहा है, हमें यह भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर बाइक का बिक्री या स्कूटी का बिक्री ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक पेट्रोल का भी बिक्री धीरे धीरे बढ़ेगा।
कॉपी जिस पर लिखते हो उसका बिक्री बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक कलम का भी बिक्री बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और क्या लिखा है, सांख्यिकी समांकों के चित्रात्मक प्रदर्शन के लिए शब्द, वर्ड, ग्राफ, चार्ट एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त तो होते हैं। प्रयुक्त का मतलब इस्तेमाल हम करते हैं। समांक की जगह पे हम चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी हम डायग्राम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऐसे मैं स्क्वायर बना दे रहा हूँ, ठीक है, और इसे अगर हम चार बराबर भागों में बांट दें, ये देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हम 25 25 25 25 ऐसे सिंपल नंबर लिख दें कि ऐसे डायग्राम बना के दिखाएं, डायग्राम ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, आकर्षक लग रहा है। तो बस यही काम है, मतलब जो डेटा है मतलब वही है, यहाँ पर जो उसका अर्थ है सेम यहाँ पर भी यही है, मतलब जो मूल तथ्य है इसमें कोई चेंजेस कोई बदलाव नहीं होंगे, जो है वही रहेगा, ठीक। बस यही है समांकों का चित्रमय, मतलब जो डेटा है इस डेटा को हम डायग्राम बना दिए, और यह डायग्राम क्या होगा, चार्ट हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, बार डायग्राम हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, बस ये मतलब वहाँ संख्या नंबर नहीं रहेगा, बस लाइनिंग के माध्यम से कुछ ना कुछ उसमें हम दिखाएंगे। यहाँ पे क्या मैं कहीं कुछ नंबर लिखा हूँ, सिंपल मैं लाइन खींचाऊँ, लाइन से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ 25 यहाँ पे है, 25 यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ, तो ये इसका फायदा है चित्रमय होने का, समांक का चित्रमय, ठीक है। जो हम चित्र बनाएंगे डेटा का, जो हम चित्र बनाएंगे उसके लिए एक पेपर आता है, उस पेपर को हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, ग्राफ पेपर कहते तो है ग्राफ पेपर, लेकिन कभी देखे हो ग्राफ पेपर हाथ में लेके, किस कलर का होता है वो, ठीक है देखे हो तब, उसमें बहुत सा लाइन रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, वर्टिकल रहेगा, मतलब कॉलम वाला और रो वाला बहुत सारा रहेगा, उसमें छोटे छोटे बॉक्स बने रहेंगे बीच में, उसी को कहते हैं ग्राफ पेपर। उसका भी एक नियम बनाने का, उस पर जो हम डायग्राम बनाते हैं एक नियम, ऐसे नहीं कि आप आँख बंद करके उस पर कमल का फूल बनाओ बन जाएगा, ऐसा नहीं करना है, उसका तरीका सिस्टम है, वो सिस्टम आपको पता होगा ही जब ग्राफ पेपर देखे हो, इस्तेमाल किए हो कि नहीं, किसी देख के ही रख दिए, कैसे करना है इस्तेमाल उसका, हाँ सपोज मानिए ये आपका ग्राफ पेपर है, इसे चार हिस्से में बांटा जाता है, कितने हिस्से में, चार हिस्से में, इधर क्या रहता है, प्लस प्लस रहता है, पहले माइनस रहेगा प्लस प्लस रहेगा, हम तो जानते हैं यहाँ प्लस प्लस रहेगा, यहाँ माइनस माइनस रहेगा, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस, वही ना हुआ, हम चल रहे हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मतलब पहले प्लस प्लस रहेगा, फिर माइनस प्लस रहेगा, फिर माइनस माइनस रहेगा, फिर प्लस माइनस रहेगा, मतलब जो ग्राफ है इसके चार हिस्से में डिवाइड कर दिया जाता है, एक प्लस प्लस मतलब जो डेटा मेरे पास रहेंगे अगर वह पॉजिटिव है तो इसमें कहीं वह किसी पॉइंट पे पॉइंट करेगा गिरेगा, वहाँ पे उसे हम लाइन खींच देंगे, माइनस प्लस रहेगा तो इस हिस्से में, माइनस माइनस रहेगा इस हिस्से में, प्लस माइनस रहेगा इस हिस्से में। मुझे ईमानदारी से बताओ कि कितने लोग जानते थे कि इसके चार हिस्से होते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, बस एक ही लोग, दो तीन चार पाँच छः बस और कोई नहीं, अब पता चल गया ना, आप कोई पूछेगा तब तुरंत उठा, दोनों हाथ उठाना है ऐसे तो ग्राफ पेपर पे ये बनाया जाता है। शेयर मार्केट का नाम सुने हो, क्या होता है शेयर मार्केट बताओ, शेयर मार्केट क्या होता है, पैसा इन्वेस्ट किया जाता है किसमें, कंपनी में, किस कंपनी में, किस कंपनी में, फेयर एंड लवली कंपनी में, तब
एयरटेल के कंपनी में है? टाटा कंपनी में। गुड। अडानी में। हाँ, मतलब वो कंपनी क्या होनी। देखो कंपनी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी। तो शेयर मार्केट में जो कंपनी है सारा कंपनी क्या है, पब्लिक है। तो पब्लिक मतलब आम पब्लिक उसमें पैसा लगा सकते हैं। पैसा लगाओगे आपका पैसा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, वो रिस्क है, ठीक है। लेकिन रिस्क तो हर जगह है। कि आपका बैंक में 6 लाख रुपया जमा है और बैंक डूब गया, आपको 6 लाख रुपया मिलेगा? कितना मिलेगा? ये भी नहीं पता। आप कहोगे पहले 6 लाख रुपया आने तो दीजिए, तब देखा जाएगा। सिंपल सोचिए, अगर आपके मम्मी पापा का बैंक अकाउंट में 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा है, तो RBI जो भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वह सिर्फ 5 लाख रुपए देने का गारंटी देता है, बाकी पैसा आपका डूब जाएगा। हाँ, यहाँ पे 1 लाख रुपया हुआ। अगर मान लो तुम्हारा 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपये PNB बैंक में जमा है और PNB बैंक डूब गया, बर्बाद हो गया, एक्चुअल में आपको सिर्फ 5 लाख ही मिलेगा। अब 5 लाख कहाँ चला गया? पानी में बह गया। क्या वहाँ रिस्क नहीं है? है रिस्क, हर जगह है। यहाँ बैठे हो, यहाँ भी रिस्क है, पता नहीं पंखा टूट के गिर जाए। तो शेयर मार्केट का ग्राफ देखो कैसे कैसे बनता है, कौन कौन देखा है एक्चुअल में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलो ठीक है, वेरी गुड। देखो आज कौन सा दिन है? आज फ्राइडे कि थर्सडे है? कौन सा दिन है? देखो सोमवार से लेकर, सुनो, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक शेयर मार्केट चलता है, सैटरडे और संडे को बंद रहता है, आराम करता है वह। तो आज कौन सा दिन है? आज चल रहा होगा 9:15 पे शुरू हो जाता है, 3:30 बजे हुआ बंद हो जाता है। क्या बाबू? 3:30 बजे 9:15 शुरू होता है और 3:30 बजे बंद होता है। बाबू 10 लाख रुपये मेरा पड़ा हुआ उसमें। तो वहाँ पे किसी, मान लीजिए मुझे घर रंगवाना है, तो कौन सा पेंट का इस्तेमाल करोगे? एशियन का, नैरो लेक का, बर्जर का? अच्छा कौन सा होता है? एशियन पेंट होता है। अच्छा कंपनी है, वहाँ के जो मैनेजर हैं उस कंपनी में, वो सब चालबाज नहीं है, ईमानदार हैं, मेहनत से काम करते हैं मेरे जैसा। तो एशियन पेंट का देखो ऐसे लाइन रहता है, वो कहीं ना कहीं शुरू तो हुआ होगा इसी पॉइंट से, वो तो ऐसे ऐसे करके ऐसे से मूव करके ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे करते 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 करते, अगर अच्छा कंपनी रहेगा तभी ऊपर जाएगा, और ख़राब कंपनी रहेगा तो यहाँ पे चला आएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। NSE और BSE लात मार के दरवाजे से बाहर कर देगा, जाओ तुम यहाँ से। समझ में आया कुछ? तो यहाँ पे ऊपर नीचे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। ये क्या है? ग्राफ है। अगर यहाँ पे सिंपल हम आपको नंबर दिखाते हैं कि इतने तो नंबर है, तो बोरिंग लगता है देखने में, समझ में कुछ आता नहीं। लेकिन उसी नंबर को इस ग्राफ में जब प्रेजेंट किया जा रहा है तो साफ साफ नजर आ, अरे कंपनी अच्छा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा ही रहा है, ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये एक आइडिया मिल जाता है कंपनी कैसा है, कंपनी में ज़्यादा बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पता कैसे चलेगा? तुरंत गूगल पे जाओगे, लिखोगे एशियन पेंट शेयर, तुरंत आ जाएगा, उस पर टच कर दो, टच करोगे ऑटोमेटिक उसका ग्रीन सिग्नल जलेगा। किसी पास है मोबाइल? लाओ हम दिखा दे रहे तुरंत लाइव। किसी पास मोबाइल नहीं है? है मोबाइल? लाओ लाओ इधर लाओ। हम सीख क्या रहे हैं कि डेटा को ग्राफ में कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। नहीं निकालेंगे तुम्हारा पैसा, जाओ। नेट चल रहा कि नहीं? बोलो।
हाँ यहाँ भी आ गया, ठीक है। यहाँ भी दिखाई दे रहा है लाइनिंग, किसको नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? यही जो डेटा बना, जो लाइनिंग बना ना, ग्राफ पेपर पे बना है। एक नीचे बेस लाइन होगा, एक वर्टिकल लाइन होगा, इसी के आधार पे ये देखो हमेशा मूव करेगा। अभी मैं तो 5 ईयर का डेटा यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जब 1 डे करूँगा ना, देखो नीचे चला गया है, यहाँ पर नीचे जा रहा है वह हमेशा। देखो लाल हो रहा, कभी हरा होगा, लाल होगा, हरा होगा, मार्केट ओपन है, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। जैसे जैसे उसका भाव बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, अगर क्वालिटी ख़राब है तो उसका दाम नीचे गिरते चला जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ग्राफ पेपर पर डेटा को प्रेजेंट करना। वो डेटा क्या है? ये जो ऊपर नीचे हो रहा है क्या है? प्राइस वैल्यू है कंपनी का, कि कंपनी का जो शेयर है उस शेयर का दाम, अगर एशियन पेंट का इस समय 3200 कुछ रुपया होगा, एक शेयर का दाम 3200 रुपया है। अगर आपको लगता है कि कंपनी बहुत अच्छा है, 3200 से इसका दाम बढ़ के 4000 होगा, 5000 होगा, तो क्या करोगे आप? 3200 रुपया मुझे दोगे, मैं क्या करूँगा? अगर मेरे पास शेयर रहेगा तब मैं क्या करूँगा, अपना शेयर आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा तुरंत। ऑनलाइन प्रोसेस है, मोबाइल से आसानी से किया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो शेयर आपके पास चला गया, पैसा मेरे पास आ गया, हम बेचे क्यों? मुझे लग रहा है कि ख़राब कंपनी है, आगे नहीं बढ़ेगा या डूब जाएगा। शेयर मार्केट में क्या होता है, अगर कोई सामान आप खरीद रहे हो तो कोई ना कोई उसे बेच रहा है ना। जब तक कोई बेचेगा नहीं, आप खरीदोगे कैसे? नहीं खरीद पाओगे। कोई बेच रहा है क्यों? उसे लग रहा है कि कंपनी ख़राब है। कोई खरीद रहा है क्यों? उसे लग रहा है कंपनी अच्छा है। दोनों अपने अपने जगह पे सही है, तभी जाके शेयर का ट्रांसफ़र, पैसे का ट्रांसफ़र इधर उधर होता है। भारत में एक MRF कंपनी है, क्या काम करती है वो? टायर बनाती है। उसका शेयर का दाम बहुत महंगा है, हाँ 80,000 से ज़्यादा एक शेयर का दाम। MRF, इसमें कोई विद्वान है जो MRF का फुल फॉर्म बता सकता है? कोई नहीं। मद्रास रबड़ फैक्ट्री, इतना नहीं पता? पता है, कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मेरा कहने मतलब यह है कि ये जो मेरा बॉक्स बना है, इसमें प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, इसी के आधार पे ये मेरा डेटा मूवमेंट होते रहता है ऐसे करके। देखो अगर यहाँ बढ़ रहा है तो प्लस में हो रहा है, नीचे आएगा तो फिर आपका माइनस में चला जाएगा, कॉर्नर पे ऐसे जाएगा, मतलब धीरे धीरे जा रहा है, मतलब पहले प्लस हो रहा फिर माइनस, प्लस हो रहा फिर माइनस, इस तरीके से मूवमेंट चलते रहता है। इसे कहते हैं लाइन ग्राफ। क्या कहते हैं? लेकिन ग्राफ है ना, ग्राफ तो है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे? ग्राफ। तो हर कंपनी का जो उसका इंफॉर्मेशन है, उसका जो डेटा है, अगर हम ग्राफ पेपर पे इंडिकेट करते हैं तो देखने में आकर्षक लगता है, सुंदर लगता है और आंखों को प्यारा भी लगता है। ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगा, ज़्यादा मतलब उसको याद करने में, समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आसानी से आप उसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, बहुत ही आसानी है। ठीक है, हम पढ़ के आ रहे हैं समांगों का चित्रमय, मतलब जो डेटा है, जो आंकड़ा है, जो नंबर है, उसे चित्र में कैसे कन्वर्ट करना है। ये प्रोसेस सारा समझ में आ गया ना? इसी में देखिए क्या दिया है, रेखीय प्रदर्शन। ये रेखीय प्रदर्शन क्या मतलब? वही लाइन ग्राफ, ये जो है एक रेखा ही तो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, इसे क्या कहते हैं? रेखीय प्रदर्शन। क्या उद्देश्य है इसका? मतलब जो डेटा है, जो समांक है, इसको हम चित्र में बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे? कुछ पॉइंट बताओ। अट्रैक्टिव लगता है, वेरी गुड। और सरल रखता है और इजी रहता है, जल्दी से याद हो जाता है और देखने में इंटरेस्ट लगता है बार बार। अगर रंग लाल पियर हरियर नजर आएगा तो बोले अरे वाह, लाल पीला हरा, देखो एक याद आ गया, RGB, इसका मतलब क्या होता है? रेड ग्रीन ब्लू, सही। तो क्यों हंस रही हो? जो कलर होते हैं, कलर तीन ही होते हैं, एक होता है प्राइमरी कलर, दूसरा होता है सेकेंडरी कलर।
प्राइमरी कलर जो है तीन है, आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू, आपका चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी घर पे हो, उसमें तीन ही कलर रहते हैं। अब इसी कलर को आपस में रेशियो मिक्स उस करके सफ़ेद कर दिया जाता है, काला कर दिया जाता है, पानी कलर कर दिया जाता है, एक्स वाई जेड। लेकिन प्राइमरी कलर कितने होते हैं? तीन होते हैं, आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू, याद रहेगा ना। तो जो डेटा है, डेटा को भी हम किस में शो करेंगे? आरजीबी में, रेड, ग्रीन, ब्लू में। भाई जो आपको प्यारा है, आपको घर रंगवाना है, कौन सा कलर से रंगवाओगे? रेड, मैं ब्लू, कोई ग्रे, कोई ब्लैक, सबका सबका अलग अलग पसंद है ना। उसी प्रकार जो डेटा है, जो आंकड़ा है, जो चित्र है, जो बनाएगा उस कलर हम शो करेंगे अपना। जो कलर मुझे अच्छा लगेगा उसी कलर में शो करेंगे ना। और क्या इसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव? आसानी से कोई भी समझ सकता है और तुलना हम आसानी से कर सकते हैं। तुलना क्या, जैसे मान लीजिए 8 है और 9 है, 10 है, मतलब थोड़ा सा बोरिंग टाइप लग रहा है, पता नहीं कौन छोटा है कौन बड़ा है। लेकिन अगर हम ऐसे एक लाइन खींच दे रहे हैं, एक फिर ऐसे खींच दे रहे हैं, फिर एक ऐसे खींच दे रहे हैं, तो आसानी से आप बता सकते हो कि इसमें सबसे बड़ा ए वाला है, क्योंकि तुरंत देख के बता दोगे। तो ए है, कम कंपेरिजन कर पाएंगे, तुलना कर पाएंगे, छोटा है तो कितना छोटा है, ऐसे छोटा है तो कितना है, बड़ा है कितना बड़ा है, तुलना करना आसान होता है चित्र से, ठीक है। और क्या क्या नुकसान होगा अगर इतना, तो अभी मैंने चर्चा किया फायदा के बारे में ना, नुकसान भी तो होगा ना। क्या नुकसान होगा, क्या बताओ बताओ, बोलो बोलो, क्या नुकसान होगा बोलो। बोलो कुछ सीखो, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट में ग्राफ को हम शो नहीं कर पाएंगे, टू द पॉइंट। अगर 8.1 है तो 8.1 समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए यह 8 है, 9 है, 10 है, तो अगर यह 9.5 है तो थोड़ा सा मूव होगा ना, तो देख के बता नहीं पाओगे कि कितने का अंतर है यहाँ पे। ये हानि है, यह नुकसान है। और डेटा में, आंकड़ा में एक एक नंबर हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। थोड़ा सा अगर 10 पैसे का नुकसान होगा, लाखों का ट्रांजेक्शन होगा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मतलब जो छोटी छोटी बातें, जो बारीकियां हैं, उसे ग्राफ पेपर पर हम दिखा नहीं सकते, या दिखा देंगे लेकिन आपको समझ में वो आने वाला है नहीं, आप पकड़ नहीं पाओगे। और आँखों का धोखा भी होता है इसमें ना, आँखों का धोखा भी होता है। फिर जो कंपेयर होता है, तुलना होता है, कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि आप तुलना नहीं कर पाओगे, कंपेयर नहीं कर पाओगे, जैसा है वैसे ही छोड़ने में ही भलाई है। डेटा में, डेटा को जब हम चित्र में कन्वर्ट कर देंगे तो कुछ चित्र ऐसे होते हैं जिससे हम कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे, ठीक। चित्र बनाने का क्या क्या नियम है, चित्र बनाने का सामान्य नियम दे देगा एग्जाम कि अगर आपको चित्र बनाना है तो उसका सामान्य नियम क्या है, जरा बताइए। नहीं पता, सिंपल है, वो साफ सुथरा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। जो चित्र आप बना के तैयार कर रहे हो उसका एक शीर्षक होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, क्यों है क्या। हम आम जब बना के तैयार करते हैं तो नीचे लिख देते हैं आम, छोटा बच्चा लिख देगा तो आप क्यों नहीं लिखोगे, मतलब टाइटल लिख रहा है ना, शीर्षक दे रहा है ना। जो भी डायग्राम आप बनाओगे उसका शीर्षक देना ज़रूरी है। उसका आकार कैसा होना चाहिए, छोटा या बड़ा, ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। किस रंग का हम प्रयोग कर रहे हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। छोटे बच्चों की किताब देखोगे ना तो उसमें मतलब गाढ़ा रंग, लाल, पीला, हरा, ये सब ज़्यादा
इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को वो सब कलर बहुत प्यारा लगता है, उसका प्रभाव बच्चों पे ज़्यादा, वो बार बार किताब का पन्ना हमेशा पलट के देखेंगे उधर उधर, क्यों? उन्हें चित्र देखना है, अच्छा लगता उन्हें देखना। उसी प्रकार ग्राफ में भी हम करेंगे, ग्राफ में इस कलर का प्रयोग करेंगे, ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि देखने में हमें अच्छा लगे, सुंदर लगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ डायग्राम। डायग्राम कितने प्रकार का होता है? डायग्राम कितने प्रकार का होता है? फाइव। पहला क्या है? क्या है? वन डायमेंशन डायग्राम, टू डायमेंशन डायग्राम, थ्री डायमेंशन, एक है, दो, तीन, चार, पांच। वन डायमेंशन, टू, थ्री, फोर, फोर भी है। कार्टोग्राम या मैप डायग्राम, और एक क्या है लास्ट में? पिक्टोग्राम। कोई पूछेगा डायग्राम कितने प्रकार का, तो क्या बताओगे? पांच। पहला क्या है? वन डायमेंशन डायग्राम, टू डायमेंशन डायग्राम, थ्री डायमेंशन डायग्राम, और एक क्या है? मैप डायग्राम या कार्टो डायग्राम, और लास्ट में पांचवा मेरा क्या है? पिक्टोग्राम। ये वन डायमेंशन ग्राम डायग्राम क्या होता है? वन जैसे कहते हैं ना, वन डी, टू डी, थ्री डी, कुछ आया समझ में? जैसे सिंपल अगर मान लो हम कोई लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं, ये मेरा वन डायमेंशन डायग्राम हो गया। दो लाइन रहेगा ऐसे तो मेरा क्या हो जाएगा? टू डायमेंशन डायग्राम हो जाएगा। अब इसी को अगर थोड़ा सा हम 3D कर देंगे ऐसे करके, तो उभरा हुआ लग रहा है, तो थ्री डायमेंशन डायग्राम हो गया। ठीक, इसके बाद है यहाँ पे क्या? मैप। अगर कोई हम मैप बना रहे हैं या हम कुछ कार्टून बना रहे हैं, इमोजी टाइप का बना के हम डायग्राम को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मेरा मैप या कार्टो डायग्राम में चला जाएगा। पिक्टो डायग्राम एक होता है, पिक का मतलब क्या? पिक्चर, मतलब जो डेटा है उस डेटा को पिक्चर में कन्वर्ट करना। ठीक है, एक होता है क्यूआर कोड, है नाम सुने हो? क्यूआर का मतलब क्विक रिस्पॉन्स। तो ये क्या है? पिक्टोग्राम ही तो है। उसको जैसे स्कैन करोगे तुरंत वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, डेटा में कन्वर्ट होके बता देगा। आपके जो हाई स्कूल का मार्कशीट है, नीचे देखो क्यूआर कोड दिया हुआ है। क्विक रिस्पॉन्स मतलब तुरंत वो रिस्पॉन्स देगा। जैसे मोबाइल से स्कैन करोगे उस डायग्राम को, आपका रोल नंबर, आपका नाम, पापा का नाम, जन्म तिथि, कितना नंबर आया है उसका टोटल बताएगा, मैक्सिमम कितना नंबर है वो बताएगा, सिर्फ उस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर ही। कभी कियो स्कैन? मार्कशीट किसका है? आपका है। आपने कभी स्कैन किया है ही नहीं, कियो ना? क्या क्या बताया था बाबू डाटा? वो नाम, पापा का नाम, कितना नंबर मिला है, मैक्सिमम नंबर कितना है, रोल नंबर, ये सभी डेटा वो बताएगा। कभी भी जाओगे घर पे, हाई स्कूल का या इंटर का जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके देखोगे क्या क्या डेटा शो कर रहा है, क्या क्या डेटा वह बता रहे, एक बार सर्च जरूर करोगे। तो ये वन डायमेंशन डायग्राम समझ में आ गया ना? सिंपल एक लाइन रहेगा, टू में क्या रहेगा? दो लाइन रहेगा, थ्री में क्या? तीन या चार, जिसे मैंने बताया 3D टाइप का वैसा डायग्राम रहेगा। और मैप में कोई नक्शा रहेगा, जैसे बाल्टी हो गया, उसमें हम दिखा देंगे इतना, एक लीटर है, दो लीटर है, तीन लीटर है, चार लीटर, मतलब कुछ भी मैप हो सकता है जो मेरे लिए सूटेबल है। और पिक्टो डायग्राम जैसे पिक्चर का इस्तेमाल हम करते हैं, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। अब आते हैं जो वन डायमेंशन डायग्राम होते हैं, इसे हम दो भागों में डिवाइड किए हैं।
वन डायमेंशन डायग्राम को दो भागों में डिवाइड किए हैं, एक है लाइन डायग्राम, दूसरा है बार डायग्राम। लाइन डायग्राम और बार डायग्राम। लाइन डायग्राम मतलब सिंपल एक लाइन रहेगा, जैसे यहाँ पे एक लाइन है, ये क्या हो गया, लाइन डायग्राम हो गया। और बार डायग्राम, बार डायग्राम देखो कैसे बनता है, मैं बता रहा हूँ। ऐसे लाइनिंग रहेगा, एक यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, कुछ भी छोटा बड़ा जैसे उसका, यहाँ पे देखो ना, एक हो गया एक लाइन, एक हो गया एक लाइन। और यहाँ पे यह डेटा शो कर रहा है, मतलब चित्र मैं यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। इसी डायग्राम को हम क्या कहेंगे, बार डायग्राम। अब इसी को जब हम मिला देंगे यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, तो जो मैं लाइन एक खींच रहा हूँ ये क्या हो गया, लाइन डायग्राम हो गया। मतलब लाइन डायग्राम भी समझ में आ गया क्या होता है, बार डायग्राम क्या होता है समझ में आ गया। अब आगे इसका जो रहेगा, टू बार डायग्राम, थ्री बार डायग्राम, मल्टी डायमेंशन बार डायग्राम, ये सब फिर मैं आपके आगे बताऊँगा। ठीक है, अटेंडेंस ले लिए हैं कि नहीं?